मान लीजिए आप सुबह से पढ़ रहे हो, बट मैंने आपको आकर कहा कि आपने सुबह से कुछ काम नहीं किया है, योर वर्क डन इज जीरो, कैसा लगेगा आपको? आई एम श्योर आपको बहुत गुस्सा आएगा। सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्क डन फिजिक्स के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स में क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा, जब हम एक वॉल को पुश करते रहेंगे, वो वॉल तो मूव नहीं करने वाली, हमारी पूरी मस्कुलर एनर्जी वहाँ पर यूज़ हो रही है, बट वहाँ पे वर्क डन क्या है? ज़ीरो है। तो हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं कि कौन से वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, कौन सा वर्क हमारा ज़ीरो वर्क डन के अंदर आता है, और किसको हम नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। उसके साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे। एंड फिर इस चैप्टर को हम एंड करेंगे पावर के साथ। पावर में हम डिफरेंट टाइप की पावर की यूनिट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा फिजिक्स का इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज की क्लास में हम समझेंगे कि वर्क क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइंस। अगर आप पूरा दिन बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, तो साइंस के टर्म्स में आपने कुछ भी काम नहीं किया है। तो क्या डेफिनेशन है साइंस के टर्म्स में वर्क की? एनर्जी क्या होती है? कितने डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है? कुछ लॉज हम पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही साथ पावर को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना कि वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस, राइट? और कौन से ऐसे काम हैं जिसको हम कहेंगे कि ये तो इस पर्टिकुलर वर्क को तो हम वर्क कह रहे हैं, यानी कि फिजिकल वर्क की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो वो एक मेंटल वर्क है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते, यानी कि उसको हम फिजिक्स में डिस्कस नहीं करते हैं। यानी कि वहाँ पे आपका वर्क डन क्या होने वाला है? ज़ीरो होने वाला है फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। देखो क्या होता है वर्क। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन में बात की गई है दो चीज़ों की। पहला, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मान लीजिए एफ फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेस तो ये करेगा ना, अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये मूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और ये जब डिस्प्लेस करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही, तब उस पर्टिकुलर वर्क को हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है, यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन है, राइट? तो देखिए फिर से डेफिनेशन को एक बार पढ़ते, आपको अब समझ में आएगी। देखो, वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क को कब कहेंगे कि वर्क हुआ है? व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस से वो आगे मूव करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे हुई हो, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहीं से ही हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला भी निकल के आता है, जिसको हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इट इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर कर सकते हैं हम वर्क डन को? इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ? विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ, मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास वर्क डन का? वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, यानी कि क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वॉट? वर्क डन, राइट? तो ये हमारी थी फिजिक्स के टर्म्स में वर्क को हमने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं वर्क डन के बारे में। देखो, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी तो रिक्वायर होगी, तभी इस चैप्टर के अंदर हम एनर्जी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट देखिए, इन एनिमल्स, एनिमल्स के केस में क्या होता है? एनर्जी इज सप्लाइड बाय फूड दे ईट। अब हमें पता है वर्क डन अगर हमें करना है, अगर हमें वर्क करना है तो हमें एनर्जी तो चाहिए।
अब एनर्जी कहाँ से आएगी ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर? वो एनर्जी आने वाली है उस फूड से जो हम खाएंगे, राइट? नेक्स्ट देखिए, इन मशीन्स एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फ्यूल. जबकि कुछ मशीन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो व्हीकल्स हैं, राइट, इंडस्ट्रीज के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो कैसे चलती हैं, वो कैसे काम करती हैं? क्योंकि उनको हम एनर्जी के लिए क्या देते हैं, वहाँ पे फ्यूल देते हैं. हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो क्या है? फूड है, राइट, जो हम खाते हैं. ओके, नेक्स्ट हमको देखना है, हम कई बार बैठे बैठे इतना सारा काम करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं का क्या मतलब है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, राइट? तो उस केस में फिजिक्स के टर्म्स में आपने कुछ भी काम नहीं किया है. तो ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे. देखो रीडिंग, बैठ के आप कुछ रीड कर रहे हो, दिमाग तो यूज़ हो रहा है ना, तो वो मेंटल वर्क है. तो उसको फिजिक्स की टर्म्स में हम नहीं उसको कंसिडर करते हैं, उसको इस चैप्टर के अंदर भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो रीडिंग हो गया, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस. सारी की सारी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस है, यानी कि सबके अंदर मेंटल जो वर्कडन है वो तो यूज़ हो ही रहा है, राइट? तो बट इन साइंटिफिक मैनर वहाँ पे कोई भी काम आपने नहीं किया है, वहाँ पे नो वर्क डन इज डन इन ऑल द अबव केसेस, राइट? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है. देखिए, अ मैन इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक. उसके सामने एक रॉक है, एक वॉल है. मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक वॉल को धक्का दे जा रही हूँ बहुत टाइम से, उसको मैं बहुत प्रेशर, बहुत फोर्स लगा रही हूँ उसके ऊपर, तो क्या हो रहा है? वो मूव तो नहीं करेगी, बट फिर भी मेरी तो एनर्जी यूज़ हो रही है ना, ठीक है? अब फिजिक्स के टर्म्स में अगर बात करें तो मैंने वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया, जबकि मैं पूरे दिन से उसके ऊपर अपना पूरा फोर्स लगा रही हूँ, बट फिर भी वो मूव नहीं की, वो डिस्प्लेस नहीं किया है. क्योंकि हमें पता है वर्क डन वही है जब वहाँ पर फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो. तभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जीरो को अगर हम किसी भी चीज़ से, कितने भी फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे, वर्क डन हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा. इस फॉर्मूला से हम ये चीज़ समझ सकते हैं, यानी कि मूवमेंट होना, डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है अगर हमें वर्क डन करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखेंगे. देखो अब एग्जांपल्स हम कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, वर्क डन के. अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विद अ हैवी सूटकेस मे बी टायर्ड सून, ठीक है? कोई इंसान है, ठीक है, जो बहुत भारी सूटकेस उठा के वहाँ पे बहुत देर से खड़ा है, बट वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है. उसकी मस्कुलर एनर्जी तो वहाँ पे यूज़ हो रही है, वो थक तो रहा है, बट वहाँ पे फिजिक्स के टर्म्स में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. क्यों है? देखो, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम? फोर्स हमें लगाना है, ठीक है, और उससे क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. अब किसी भी केस में अगर हमारा फोर्स कितना भी ज़्यादा न्यूटन हम फोर्स उसके ऊपर लगा ले, मान लीजिए हमने 5 न्यूटन फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, सूटकेस को उठाने में, राइट, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? ज़ीरो है. अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो 5 × 0 इज ज़ीरो, यानी कि वर्क डन भी हमारा क्या आने वाला है? ज़ीरो ही आने वाला है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पर हमको ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है. सिर्फ फोर्स लगाने से कुछ भी नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वॉल डज नॉट मूव. वही सेम एग्जांपल है, वॉल तो मूव नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसका मतलब वहाँ पे भी फोर्स क्या हो गया हमारा? ज़ीरो हो गया है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं. देखो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन बता दी, बस फिर से देखते हैं. देखो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्क का? वर्क इज डन व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी. क्या होना चाहिए वहाँ पे? बॉडी के अंदर मोशन जब हो फोर्स लगाने पे, तब उस वर्क डन को हम मानते हैं कि वहाँ पे वर्क हमने किया है, वहाँ पे वर्क डन हुआ है. देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट. वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. फोर्स के इन्फ्लुएंस में वहाँ पे बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तभी हम उसको क्या मानेंगे? वहां पे वर्क डन हुआ है, राइट? नेक्स्ट देखिए, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी.
फोर्स कहाँ पे अप्लाई, कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो कंडीशंस ऑफ वर्क, वर्क करवाने की, वर्क डन होने के लिए कुछ कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहली तो हमें पता है, फोर्स तो हमें लगाना पड़ेगा। अब जो कंडीशंस हैं उनको हम समझ सकते हैं हमारे वर्क डन के फॉर्मूला से। तो एक बार फिर से वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, वहाँ पे क्या होना चाहिए, फोर्स तो अप्लाई हमें करना पड़ेगा। अगर फोर्स जीरो है तो फिर से वर्क डन हमारा जीरो आने वाला है, राइट। तो फोर्स हमने अप्लाई करना है एंड वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है उस बॉडी के ऊपर तो लगाएंगे। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। नेक्स्ट क्या है, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फिर से हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कुछ कंडीशंस थी। अब हम देखेंगे वर्क डन कब होता है, किस कंडीशन में होता है, कौन से कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिनके अंदर वर्क डन नहीं होता है, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। देखो, अ साइक्लिस्ट इज पेडलिंग द साइकिल। अगर कोई साइक्लिस्ट है वो साइकिल को पेडल करके आगे कहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ये वर्क डन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है और वो फोर्स भी अप्लाई कर रहा है पेडल करने में, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हुआ हमारा, वर्क डन यहाँ पे हुआ है, वर्क इज टू बी डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैन इज लिफ्टिंग लोड इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई इंसान है, उसने कुछ फोर्स का अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी भारी सामान को ऊपर उठाया है, राइट तो वो भी हमारा क्या है, वर्क डन का केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें देखना है, वर्क इज नॉट डन व्हेन, काम कब नहीं होगा, वर्क कब नहीं हो रहा है। देखो, कूली वाला एग्जाम्पल काफी फेमस है। जो कूली है जब सामान उठाता है, तो फिजिक्स के टर्म्स में कूली ने कुछ भी काम नहीं किया है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की, वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हो रही है। हमने क्या पढ़ा था वर्क डन की डेफिनेशन में, कि फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हमारा वर्क डन क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। बट कूली के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। इसी वजह से वहां पर जो वर्क डन है हमारा वो क्या है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये कूली वाला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक। किसी बिग रॉक के ऊपर कोई अगर कोई पहाड़ अगर धकेलने की आप कोशिश करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अपना मस्कुलर एनर्जी वहां पे लगा रहे हो, वहां पे मूवमेंट ही नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या हुआ कि वहां पे वर्क डन नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, देखो, वर्क इज डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स। कुछ फिक्स्ड फोर्स की वजह से वहां पे वर्क डन होता है। देखो, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो वहां पर वर्क डन हमारा जीरो आएगा। क्योंकि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना हमारा वर्क डन का, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको मेनली क्लास 11th एंड 12th में सीखना है, बट थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देते हैं। एफ डॉट एस कोस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। एंड दिस थीटा, ये जो थीटा है ना, ये एंगल होता है बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, अभी हमें इतना इसका यूज नहीं है, ठीक है। अब ये कोस वगैरह भी आपने पढ़े नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जो आपने अभी पढ़ी नहीं है, क्लास 10th में आप पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। कुछ एंगल्स हैं, ठीक है, जैसे कोस, अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 है, एंगल की वैल्यू क्या हो गई है 90, तो कोस 90 हमारा जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। यानी कि एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला फिर से हमारा वही आ गया है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जिसको हम अप्लाई करेंगे हर जगह पे टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट क्वेश्चन, जो भी न्यूमेरिकल हमें गिवन होगा वहाँ पे इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है, वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वान्टिटी। वर्क एक स्केलर क्वान्टिटी है, यानी कि इसकी कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, वर्क डन की कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। अगर आप एक चीज यहाँ पे नोट करें, देखो, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब जो फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन है,
ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जब हमने लिया तो जो वर्क डन आया हमारा वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क डन एक, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, राइट, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड हमें गिवन होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये जो मैं अभी आपको एंगल की बात बता रही थी, हम आपको यहाँ पे इस तरीके से हम इस एंगल को समझ सकते हैं. देखो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये जो बच्चा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, बट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना इस ब्लॉक का, इस वुडन ब्लॉक का, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें. अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल, जो थीटा एंगल बन रहा है, यही होता है. देखो दिस थीटा, ये 30 डिग्री बन रहा है. इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा वर्क डन, राइट. अगर ये 90 डिग्री हो जाता, ठीक है, तो हमारा वर्क डन यहाँ पे क्या आता, फिर से जीरो आता, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन. वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर और जूल. ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार फिर से. वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस. फोर्स का हमें पता है न्यूटन होता है एंड डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है कितना होता है, मीटर होता है. तो इस वजह से जो हमारा यूनिट आई है, किसकी यूनिट आई है, यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर. क्या गई है, न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स भी बोल सकते हैं, राइट. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखो, व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन मूव्स. अब ना जैसे हम फर्स्ट चैप्टर से सारी की सारी यूनिट्स को डिफाइन करते आए हैं, वैसे ही हमें वर्क डन की यूनिट को भी डिफाइन करना होगा, यानी कि वन जूल वर्क कितना होता है. अगर हमें उसे डिफाइन करना हो तो वही फॉर्मूला से हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स अगर वन न्यूटन का हम अप्लाई करने पर, वन न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर अगर वन मीटर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करती है, तब उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, वन जूल वर्क कहते हैं. सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला से डिफाइन करना होगा. तो ये तो आपको अब तक आ गया होगा. तो अब फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं. देखो, व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन. ये चीज बहुत जरूर मेंशन करके आना कि जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. देन द फोर्स, देन द वर्क डन इज वन जूल. तब जो वर्क डन है हमारा वो वन जूल के इक्वल आएगा, राइट. ओके, तो यहां पे देखो, इसको एक बार रब कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं एक बार इसको. तो वन न्यूटन मीटर को ही, वन जूल किसके इक्वल है, वन न्यूटन इंटू वन मीटर, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आया, राइट. अब देखो, वन जूल जो है वन न्यूटन मीटर के इक्वल है, ये एक ही बात है. इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना. आपको यूनिट्स का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ वर्क. कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. वो फैक्टर्स को अभी हमें डिस्कस करना है. तो पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही ना, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा. जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा वर्क डन होने वाला है. क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, राइट, टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं. देखो, डिस्प्लेसमेंट पहला हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ठीक है, दूसरा हमें पता है फॉर्मूला से कि किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. देखो, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा. सिंपल, दोनों दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ये चीज हमें फॉर्मूला से ही समझ में आ रही है. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें समझना है कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं पॉजिटिव वर्क डन के, नेगेटिव वर्क डन के एंड जीरो वर्क डन के. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा नेगेटिव वर्क डन. ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. सिंपल सी बात है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वर्क डन है हमारा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव का एग्जांपल तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से देती आ रही हूँ. क्या है, देखो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, कोई ब्लॉक है हमारा, ग्राउंड पे रखा है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसका डिस्प्लेसमेंट सेम, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब ये जो वर्क डन है हमारा ये कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है. जीरो वर्क डन का एग्जांपल क्या है, कूली वाला जो एग्जांपल था, क्योंकि वहां पे हमारा जो थीटा आ रहा है ना, एंगल जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आता है,
ठीक है, जब हमने फोर्स कहाँ लगाया, फोर्स हमने लगाया ऊपर, ठीक है, यानी कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री आए, तब जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा जीरो आता है। एंड अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री आ जाए, तब हमारा जो फोर्स, जो हमारा वर्क डन होता है वो कितना आता है, नेगेटिव वर्क डन आता है। तो एक एक करके सबका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देखो, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सिंपल बात, ठीक है, कब होगा, जब जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड पुल्स अ कार टॉय, ठीक है, टॉय कार को वो पुल कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, जिस डायरेक्शन में वो पुल कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, वहाँ पे मूवमेंट हो रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है तब हमारा जो वर्क डन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है उस केस में हमारा। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, सही है, ओके। फिर फॉर्मूला हमें पता ही है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। अब हमें देखना है नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल। वर्क इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के जब फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका? यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक सॉकर बॉल है जिसको किक कर दिया है। ठीक है, किक करने के बाद कुछ टाइम बाद ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये रुकने लगेगी, इसकी स्पीड कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिट फोर्स है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, वो आने लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जिसकी वजह से अभी मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ आ रही है, ठीक है, अभी भी मूव तो आगे कर रही है बट उसकी स्पीड कम होने लगी है क्योंकि अपोजिट फोर्स। तो ये जो कंडीशन है ना हमारे पास, दिस कंडीशन शोज नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखो फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ना उसके बीच में जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना है, 180 डिग्री है। और जब भी एंगल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है, तब हमारा वर्क डन क्या आता है, वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें समझना, देखो एग्जाम्पल वही चीज़ है जो मैंने लिखवा दिया, बस इसकी थ्योरी है, ये आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, राइट, वही चीज़ है, ठीक है, ओके। इसको एक बार इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जीरो वर्क डन का हमें अब एग्जाम्पल देखना है। देखो वर्क डन इज जीरो। जीरो कब होगा? व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मान लीजिए मोशन यहाँ हो रहा है एंड जो वर्क, जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की साइड पे लग रहा है, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये अभी, देन वर्क डन हमारा कितना होता है, जीरो होता है। दिस इज द मोस्ट स्पेशल केस जहाँ से बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, व्हेन द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी और व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। या तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो अपने आप जीरो इनटू फोर्स कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा वर्क डन हमेशा जीरो ही आएगा। दो कंडीशन हो सकती है, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमारी, क्योंकि कोस 90 हमारा कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क डन इज व्हेन You stand holding a bag in your hand and do not move. Move ही नहीं कर रहे हो, displacement ही zero हो गई है, उस केस में क्या होगा हमारा, work done क्या आ जाएगा, zero आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ examples हैं, आपको अगर positive, negative और zero work done exam में पूछा जाए तो आपको उनके साथ साथ उनको define तो करना है, बट साथ साथ उसको example के through अगर define करोगे तो आपके एक भी marks कटना नहीं कटेगा, right? Next हमारे पास है एक question जिसको देखते हैं हम, देखो क्या पूछा हुआ है। कूली लिफ्ट लगे जो 15 kg, हमें क्या दे दिया गया है, हमें मास दे दिया गया है ऑफ लगेज, लगेज का हमें मास दे दिया गया है कितना है, 15 kg है, और हमें डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट कितनी की है उसने, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 1.5 meters अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन हमें निकालना है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स हमें नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फोर्स का वैल्यू का फॉर्मूला हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एम जी, क्योंकि हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम जी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर दिया है, इनटू में एस डिस्प्लेसमेंट। अब मास हमारे पास गिवन है 15 kg,
ठीक है, इंटू में जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले लेंगे, इंटू में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 1.5। क्या हम अब इसको सिंपल सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सिंपल है ना। तो आपको बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी थी, अगर आपके पास फोर्स नहीं भी गिवन तो हमें फोर्स के दूसरे फॉर्मूलाज पता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए हमें पता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, जहाँ पे ग्रेविटी का वॉक, ग्रेविटी जहाँ पे काम आ रही है वहाँ पे हम एम जी वहाँ पे पुट कर सकते हैं फोर्स की जगह पे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम एनर्जी को, हमें समझना है एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एनर्जी तो होनी चाहिए, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो हम कैसे कोई वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, कोई भी वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखेंगे हम यहाँ पे। देखो सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी मानते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं मैक्सिमम सोर्सेज कहीं ना कहीं वो सन से ही डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखो सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड द टाइड्स। ठीक है, इनके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम क्लास 10th सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों हम सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनका जो सोर्स है वो सन ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमको देखना है, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ थोड़ा सा वो डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशंस देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजिस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजिस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू, जितना एनर्जी उसके अंदर है वो उतना ही तो काम कर पाएगा। ठीक है, वर्किंग बॉडी लूजेस एनर्जी, कोई भी बॉडी अगर वो वर्क कर रही है तो वो एनर्जी को लूज करेगी, बट ध्यान से सुनना, लूजेस एनर्जी। ठीक है, बॉडी ऑन विच वर्क इज डन, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी को गेन करेगी। इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, अगर हम परफेक्टली कहें, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर एक जगह से लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह वो क्या कर रही है, गेन कर रही है। ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं कि कभी भी ख़त्म नहीं होती एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम लॉ, जैसे हमने केमिस्ट्री के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, वैसे ही हमारे ये लॉ है यहाँ पर फिजिक्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देखो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने देखा था जो हमारा वर्क डन था वो भी क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा जो वर्क डन है, सॉरी जो हमारी एनर्जी है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो अब SI यूनिट हम देख लेते हैं, जैसे हमने वर्क डन की देखी थी क्या थी, न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल्स भी कहते हैं। सेम यहाँ पर देखिए, हमारी जो SI यूनिट है एनर्जी की वो भी क्या होती है, जूल्स होती है, एंड इट्स बिगर यूनिट इज किलो जूल। किलो मतलब क्या होता है, 1000 इंटू जूल को हम क्या कह देंगे, किलो, किलो मतलब 1000, राइट, फैक्टर हम यहाँ पे अप्लाई लगा सकते हैं। ओके, SI यूनिट हमने देख ली है, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, मैंने आपको बता दिया। किलो का मतलब क्या होगा, हमेशा 1000 ही होगा। ठीक है, बस आपको किलो की जगह पे 1000 लिखना है, उतना आपका वो कन्वर्जन यूनिट आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी, सिंपल। ठीक है, जितना एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, 1 जूल वर्क को करने के लिए, उतनी ही, उतना हमारे 1 जूल वर्क को करने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 जूल को। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी, सिंपल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एंड वर्क डन दोनों की ही यूनिट हमारे पास क्या है, जूल्स ही है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो मेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप की एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है जिनको हमें पढ़ना भी है। पहला है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है मूवमेंट से, अगर किसी बॉडी कोई बॉडी अगर मूवमेंट में है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है उस बॉडी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अगर किसी हाइट के ऊपर रुकी हुई है बॉडी, कोई थमा हुआ पानी है, मान लेते हैं डैम्स हम बनाते हैं तो पानी को रोक देते हैं एक हाइट के ऊपर, तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। रुकी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
फिर है हमारे पास हीट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी, किसी केमिकल कोई रिएक्शन हो रही है वहाँ पे तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बारे में सब जानते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लाइट एनर्जी, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, यानी कि क्लास 10th के अंदर। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इसको तो हम अभी डील करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा साउंड ही है। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिसको हम हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी जनरेट करते हैं न्यूक्लियस को, या तो ब्रेक करके या तो फ्यूज करके, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, तो इन सबको हम देखने वाले हैं। देखो, मेनली हमें यहाँ पर डील करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी आती है। ठीक है, ओके, द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजिशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो भी बॉडी हमारे पास जिसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो मूवमेंट में है या फिर वो रुकी हुई है, ठीक है, उसकी कोई भी पोजीशन की वजह से या उसके मोशन की वजह से जो भी एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है, देखो काइनेटिक एनर्जी को मेनली हमें पहले हम डिफाइन करते हैं। देखो, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है ना उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो मूविंग क्रिकेट बॉल, वो मूवमेंट में है तो वहाँ पे उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, रनिंग वाटर, अगर वाटर मूवमेंट में है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। अ मूविंग बुलेट, कोई बुलेट अगर मूव कर रही तो उसके अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फ्लोइंग विंड, विंड अगर फ्लो कर रही है, मूव कर रही है तो वहाँ पे भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग कार, कोई भी चीज़ अगर वो मूविंग है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी काइनेटिक एनर्जी ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। क्या हुआ, देखो काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे KE। ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, एंड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे। ठीक है, ये दो जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट होने वाला है, जहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ पे, इफ द ऑब्जेक्ट, अब हम फॉर्मूला ही डिराइव करने वाले हैं। देखो, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लेते हैं हमने ये कंडीशन लेट कर ली, हमने कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास, इसको मान लेते हैं कोई बॉल है हमारे पास जिसका मास m है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रही है, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s, जिसका मूवमेंट करने के बाद जो डिस्प्लेस होके s डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। ठीक है, कॉन्स्टेंट फोर्स f ऑन, कॉन्स्टेंट फोर्स हमने F यहाँ पे अप्लाई करा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू यू टू वी, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, हमारे पास V हो जाएगी। सिंपल, क्या आपको सारी कंडीशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला को यहाँ पे डिराइव करने वाले। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है एक्सेलरेशन को हम ए से डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पे ए, स्मॉल ए क्या दिखाएगा हमें, एक्सेलरेशन। ठीक है, वर्क डन हमें पता है कितना होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। ठीक है, ओके, हमें फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर जो ए है वो क्या है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब हमको पता है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना, यहाँ तक हमें समझ में आया कि फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा, अब हमें फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। उससे पहले हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी पता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशनशिप पता है हमें किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इन्हीं को ही तो हमने कंसिडर किया था अभी जब लेट किया था सिचुएशन को। ठीक है, तो हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u square is equals to 2as, right? Okay, यहाँ से क्या हम s यानी कि displacement का formula नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको cross multiply करेंगे तो हमारे पास ये displacement का formula आ जाएगा, that is equal to, कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया है, देखो
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ठीक है, वैल्यू को पुट करने वाले हैं हम। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा वर्क डन का, f इज इक्वल्स टू f डॉट s, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला भी है, क्या था ma, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जस्ट हमने निकाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो वैल्यू को डायरेक्टली इसी तरीके से हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो वर्क डन का फॉर्मूला, f की जगह पे मैंने क्या लिखा ma लिखा, एंड s की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है, ये वाला जो फॉर्मूला था इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब मैं क्या करने वाली हूँ, रीशफलिंग, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, और एंड में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आया, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब अगर हमारी बॉडी स्टार्टिंग में, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी जो बॉडी थी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है, तब क्या होगा हमारा, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है तो यू की वैल्यू हमारी हो गई जीरो, ठीक है। अब हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, यही जो है हमारा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मूवमेंट, मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है इसी को क्या कहते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो क्या आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। जब ही हमने जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे तभी हमने जो लास्ट पॉइंट देखा था उसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, राइट, क्लियर हुआ। तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ओके ये हमने देख लिया, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमें मास दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट का मास हमें दे दिया गया है 15 kg, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें वेलोसिटी गिवन है कितनी है 4 meter per second, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय इट, सिंपल है, हमें मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लगाना है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, देखो वैल्यू से तो पुट करनी है, मास हमें गिवन है कितना 15 kg, तो यहाँ पे 15 kg लिख दो, एंड वी स्क्वायर, v की वैल्यू हमें गिवन है 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल, वैल्यू सारी आपके पास गिवन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसको हम क्या कह रहे थे, काइनेटिक एनर्जी कह रहे थे। अब हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ड्यू टू पोजीशन, उसके वो जो रुका हुआ उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से, और चेंज इन शेप, उसकी शेप अगर चेंज हो रही है तो वो भी क्या शो कर रहा है, उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जाम्पल्स सबसे पहले देखेंगे, देखो वाटर केप्ट इन डैम्स, जो डैम्स के अंदर वाटर रखा हुआ होता है एक हाइट के ऊपर, वो क्या शो करते हैं कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इट कैन रोटेट द टर्बाइन टू जनरेट द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन अबव द ग्राउंड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये टर्बाइन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, बहुत सिंपल चीज़ है, बट इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th के अंदर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर इस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे ही डैम से पानी को नीचे गिराया जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे देती हूँ, यहाँ पे एक हाइट के ऊपर पोजीशन, एक पोजीशन है पानी की, एक हाइट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, वाटर को डैम में, ठीक है, जैसे ही हम डैम का गेट ओपन करेंगे पानी नीचे आएगा, पानी नीचे आया, ठीक है, प्रेशर से पानी नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, वो वहाँ पे एक टर्बाइन, एक पंखा सा लगा हुआ होता है जिसके साथ कनेक्टेड होता है एक डायनमो यानी कि जनरेटर, जनरेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब जैसे ही पानी आएगा प्रेशर से, जो टर्बाइन है, जो पंखा है, वो मूव करेगा, जिसकी वजह से अंदर जो डायनमो है उसको मैकेनिकल एनर्जी हमने दे दी, जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो कुछ इस तरीके की हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार के अंदर जो स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से चाबी भरते हैं ना फिर चलती है वो, आजकल तो नहीं आते ऐसे, आजकल तो रिमोट कंट्रोल वाले आते हैं, ठीक है, तो इट पोजेसेस द पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। पहले जो स्प्रिंग्स होते हैं
ठीक है, वो उनको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू स्ट्रेचिंग की वजह से या फिर कंप्रेस करने की वजह से, चेंज इन शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। ठीक है, ओके, देखियो नेक्स्ट देखेंगे हम बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो। ठीक है, अब ये जो धनुष होते हैं इसको जब हम यहाँ पे इस तरीके से पीछे की ओर लेते हैं जब इस स्ट्रिंग को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी चेंज इन शेप हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, देखो डिफॉर्मेशन की वजह से इसकी शेप चेंज हो रही है, इसकी वजह से जब ये इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइल शूटिंग एन एरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी पॉजेस है वहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू चेंज इन शेप, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, एंड फिर जो वहाँ पे आफ्टर डिफॉर्मेशन वो किसके अंदर चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर चेंज हो गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो गई जब वो मूवमेंट में आया हमारा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पोटेंशियल एनर्जी के। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमारी अफेक्ट होती है, हमें पता है। देखो पहला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। क्लियर, नेक्स्ट देखो मोर द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा क्या होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। हाइट अबव द ग्राउंड, और किसके ऊपर डिपेंड करे, दूसरा फैक्टर है हमारा हाइट के ऊपर, जितना ज़्यादा ग्राउंड से ऊपर रखा हुआ होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। पहला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट, कितनी हाइट के ऊपर रखा हुआ है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हो गया, देखो ग्रेटर द हाइट अबव द ग्राउंड ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन शेप, तीन फैक्टर्स है, पहला है, पहला हमने क्या देखा मास, दूसरा हमने देखा हाइट, तीसरा हमने देखा चेंज इन शेप। ग्रेटर द स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो इन तीनों फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है, ओके, नेक्स्ट हमें देखने, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हम देखें तो क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, कैसे किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देखना है अभी। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h, कोई भी बॉडी है हमारे पास मान लेते हैं ये जिसका मास m है उसको h हाइट तक हम ऊपर लेके चले गए हैं। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशनल पुल भी उसके ऊपर लगने वाला, दैट इज mg। ठीक है, ओके, एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी कहाँ पे लगेगा उसके ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब देखो तो लिफ्ट, टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिंपल बात, ये तो हमें पता है, हम पढ़ के आएंगे ग्रेविटेशन के अंदर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमें ऊपर लिफ्ट करना है तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ओके, तो वर्क डन यहाँ पे कितना होगा, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो फॉर्मूला हमें रट चुका है अभी तक, इतनी बार हमने कर लिया है। देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो वर्क डन में जो फोर्स होगा हमारा वो किसके इक्वल होने वाला है, एम जी के इक्वल, यहाँ पे हमने एम जी पुट करा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना वो ऊपर की साइड पे हो रही है, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं ना हम। ठीक है, वो सामने डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वो ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ हाइट पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम उसकी हाइट को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है, इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम इसको वर्क डन कह सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, क्या हो गया हमारा, एम जी एंड एच। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमें देखना है, देखो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है हमारी वो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे क्या हो गया, किसके अंदर हम इसको ले रहे हैं, किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा देखो क्या हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको ई पी भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से सिंपल आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया, एम इंटू जी इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। देखो जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमें पता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या पूछा गया है प्रैक्टिस टाइम में। इफ द बॉडी ऑफ मास, मास हमें दे दिया गया है, मास हमें गिवन है कितना, 10 kg इज रेज्ड टू द हाइट,
हाइट भी हमें दे दी गई है 6 मीटर अबव द अर्थ, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वी नो, एम जी एच, राइट। मास हमें गिवन है कितना, 10, ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इनटू हाइट हमें गिवन है 6 मीटर, सिंपल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे ये यहाँ से पिक किए गए हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, सिंपल है, डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ गिवन है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो देखिए, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म इज द इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल है, देखो कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन ऑन अ सर्टेन हाइट हैज इंटायर पोटेंशियल एनर्जी। किसी एक हाइट के ऊपर हमने एक स्टोन को रखा हुआ है, ठीक है, तो उस स्टोन के अंदर अभी क्या है, क्योंकि वो एक हाइट के ऊपर है, तो उसके अंदर अभी क्या प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। बट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड, जैसे ही उसको हम छोड़ देंगे वहां से, ठीक है, वो डाउनवर्ड साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगा, तब जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टोन की गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उस केस में हाइट भी डिक्रीज हो रही है, एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला से पता है क्या होता है, एम जी एच। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, जैसे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी तो कम होती जाएगी। नीचे ड्रॉप करा, स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ रही होगी वहां पे, ठीक है। तो देखो, गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन इज इंक्रीजिंग, राइट। तो यहाँ पे इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो ये क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, राइट। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो, एट द टाइम ऑफ स्टोन रीचेस द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। जैसे ही जो ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगा हमारा स्टोन, क्योंकि वहां पे अब हाइट क्या है, जीरो है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। Thus, it entire potential energy is transformed into the kinetic energy, ठीक है। उस केस में उसकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो नेक्स्ट हमें समझना है, एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाटर की लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है, विच इज कन्वर्टेड लास्ट में किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम वहां पे वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं, जो कि बाद में काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, एंड एंड में जो हमें प्रोडक्ट में मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम हमारे घर में यूज करते हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल इज ऑलवेज रिलेटेड टू हीट। कहीं पे भी अगर थर्मल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वहां पे हीट का कुछ ना कुछ सीन होने वाला है, ठीक है। देखिए, एट थर्मल पावर हाउसेस केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है ना उसके अंदर, जो रिएक्शन कर रहे हैं हम उसके अंदर, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी सबसे पहले हीट एनर्जी के अंदर, ठीक है, विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब क्या है, कन्वर्जन ही तो है, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना, ठीक है, यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो एनर्जी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, इसके स्टेटमेंट पूछते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, देखो, व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। ओवरऑल जो टोटल रहेगा ना अमाउंट, वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। देखो क्या जो हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, वो क्या कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, होता क्या है, बस एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। ऑल्दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम, ठीक है। ओवरऑल जब बात की जाती है पूरे सिस्टम की, जब हम देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहती है हमारी टोटल एनर्जी, राइट।
देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉडी, कोई बॉडी है उसका फ्री फॉल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी के अंदर किस तरीके से कंजर्व रहती है हमारी एनर्जी। पहला देखिए, द बॉल ऑफ मास m एट अ हाइट h, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और वो h हाइट के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, h हाइट, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, m g h के इक्वल होगी। समझ में आता है ये बात? तो एज द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड द हाइट h डिक्रीजेस, हाइट h डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। सिंपल बात है ये भी, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, हाइट डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज जीरो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक हाइट h के ऊपर क्या है, जीरो है, बट इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फॉलिंग ऑफ बॉल। जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगी तो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी इंक्रीज करेगी। इतना हमें समझ में आया। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन सेम एट द सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स फॉल। जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ओवरऑल सम के, तो वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट के ऊपर रहेगा ही वो, तो ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल हाइट के ऊपर जब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब बिल्कुल नीचे आने वाली होगी हमारी बॉल, जब हाइट बिल्कुल जीरो होने वाली है, तो वहाँ पे उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे क्या होने वाली, मैक्सिमम होने वाली है। तो ओवरऑल जो आएगा हमारा वैल्यू, वो क्या आने वाली है, दोनों का सम कॉन्स्टेंट आने वाला है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा आएगा। क्लियर हुआ? फॉर्मूला हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? ये हमारा कंजर्वेशन को डिफाइन करता है, ये जो चीज है क्या दिखा रहा है कि ओवरऑल जो हमारा एनर्जी है वो एक सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या है, ठीक है, किस, हाँ, अगर हम टाइम के कंपैरिजन में चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, कितने टाइम में कितना काम हमने किया है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, कितना टाइम में जो एनर्जी है कितनी कंज्यूम हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, सिंपल, ठीक है, कितना वर्क डन हुआ कितने टाइम में, उसी को ही क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं, ठीक है। देखो, अब पी को, पी पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, डब्ल्यू फॉर वर्क डन एंड टी फॉर टाइम टेकन, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब हमें देखनी है एस आई यूनिट, ठीक है, एस आई यूनिट क्या है, देखो एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, एस आई यूनिट क्या है पावर की हमारी, वॉट है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करने वाले, विच इज इक्वल्स टू 1 joule per second, यानी कि 1 joule वर्क जब होगा 1 second के अंदर, तब वो जो पावर है वो 1 watt कहलाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमने 1 watt को डिफाइन भी कर लिया है, 1 joule per second। देखो क्या होगा, पावर इज 1 watt, कब होगी पावर 1 watt, व्हेन 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन 1 second, फिर से वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। तो फॉर्मूला, एवरेज पावर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी यूज, जो वर्क डन है और जो एनर्जी है दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी यूज अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, तब हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा एवरेज पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की पावर को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। देखो, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल गैजेट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो किस रेट से कंज्यूम हो रही है, वही हमें क्या बताती है, पावर के बारे में बताती है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल गैजेट के बारे में, ठीक है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो बिगर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड किलो वॉट, किलो मतलब 1000, तो 1000 watt के हमारे ये इक्वल आ जाएगी, राइट, 1 kilowatt इज इक्वल टू 1000 watts, यानी कि 1000 joule per second, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखो, अ बॉडी डज 20 joules of work, ठीक है,
इन 5 सेकेंड। हमें वर्क डन दे दिया भाई इस बार तो, कितना 20 जूल, और टाइम टेकन भी दे दिया है 5 सेकेंड। हमसे पूछ क्या लिया है, पावर, पावर हमसे पूछ लिया है। पावर का फॉर्मूला पता है हमें, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। वर्क कितना है हमारा 20 जूल्स अपॉन में 5 सेकेंड्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब हमें देखना है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की सबसे पहली बात तो ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। अब जो इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास मोटर्स आती हैं, ठीक है, जो घर में हम यूज़ करते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं मोटर्स का, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स का हमें काम यूज़ लेना पड़ेगा। सिर्फ वॉट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कमर्शियली जो हम यूज़ करते हैं वो होती है हॉर्स पावर, ठीक है, किलो वाट आर, इस टाइप की यूनिट्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो, जूल इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज़ इट वेयर अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। कमर्शियली जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की बातें करते हैं ना, तब जूल को कंसिडर करना थोड़ा सा वेस्ट लगता है, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। तो फॉर कमर्शियल पर्पस बिगर यूनिट्स आर यूज, फॉर एग्जाम्पल किलो वाट आर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलो वाट आर किसके इक्वल होता है, देखो, 1 किलो वाट आर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वाट इज यूज फॉर 1 आवर, ठीक है। जब 1 किलो वाट का जो पावर है हमको यूज़ कर रहे हैं 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, तब उस पर्टिकुलर यूनिट को, उसके पावर की यूनिट को हम क्या कहेंगे, 1 किलो वाट आवर। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम इसको, अब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। देखो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं 1 किलो वाट आवर को, पूछा जाएगा आपसे ये कि डिफाइन 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड है 1 किलो वाट आवर व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वाट। जब 1 किलो वाट पावर यूज होती है, ठीक है, 1 घंटे के लिए, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, 1 किलो वाट आवर कहते हैं, ठीक है, ओके। तो रिलेशन देखना है हमें, रिलेशन बिटवीन किलो वाट आर एंड जूल के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 किलो वाट आर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलो वाट पावर, ठीक है, फॉर 1 आवर, ठीक है, समझ में आया हमें। 1 किलो वाट आर किसके इक्वल है, 1 किलो वाट फॉर 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए जब हम उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमने किलो के जगह पे उसका फैक्टर यहाँ पे डाल दिया, कितना हो गया 1000 वाट्स फॉर 1 आवर, ठीक है, ओके, इतना भी हमें समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हमें कन्वर्ट करना है 1 आवर को सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। ऐसा यूनिट है ना जूल हमारी, तो उसको हम जैसे ही ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3600 सेकेंड्स आ जाएगा। और जैसे ही इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, दिस जूल्स, राइट। तो ये इस तरीके से आपसे फैक्टर पूछा जा सकता है, रिलेशन पूछा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये आना चाहिए। सिंपल है बिल्कुल, पहले हमने किलो की वैल्यू को क्या कर दिया है, किलो का फैक्टर की जगह पे क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया है, एंड देन हमने आर्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल, ठीक है। तो उसको जस्ट हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन जूल्स, राइट, ओके। नेक्स्ट जब हम देखेंगे, देखो, 1 किलो वाट आर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 3.6 × 10⁶ जूल्स, ठीक है। इसको 10⁶ करना क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल्स के ये हमारे इक्वल आ चुका है, ये फैक्टर है 3.6 × 10⁶ जूल्स, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही इस चैप्टर के अंदर हमें देखना था। तो पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।